हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिस इज सौम्य दर्शन वेलकमिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ परीक्षित फैन। वी ऑल आर वेरी ग्लैड दैट यू जॉइंड अस टुडे। सो पार्टिसिपेंट्स, वी विल स्टार्ट विद स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टुडे स्पीकर हिज ग्रेस विश्वकृति प्रभु जी। प्रभु जी हैव डन हिज बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज हिज एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। Prabhuji have cleared gate 4 times and also worked as a professor at Trinity Engineering College, Pune. He also got selected as assistant engineer in Water Resource Department of Government of Maharashtra. Prabhuji have completed Bhakti Shastri and now currently serving in Voice NIT Raurkela. So on the 8th day of Chariots of Devotion presented by Parikshit, now we'll be listening directly from Prabhuji himself. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. So, am I audible? Yes Prabhuji, you are audible. We can start. Visible? Yes. Hare Krishna. So, we'll begin with prayers. Om Ajnanti Mirandasya Jnananjana Shalakhaya Chakshuram Ritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो मैं प्रो माय वॉइस इज क्लियर ना? यस प्रो जी, यू आर ऑडिबल परफेक्ट। ओके, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू योगेश प्रभु एंड दशरथ प्रिया प्रभु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑल ऑफ यू। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी important and very very essential. There is one verse in Srimad Bhagavatam. So Hindi English mixture is okay, or English or Hindi, what do you prefer? So my Prabhuji, actually most of the participants are students and some of them are also parents over here, so okay, Hindi may be good, combination of good will be good. So in Srimad Bhagavatam mein ek shlok hai, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। शुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय हृदयंतस्त भद्राणि विधो नूतिषु हिस्सताम। द हियरिंग अबाउट कृष्ण दैट इज कॉल्ड कृष्ण कथा इज द मेडिसिन फुल मेडिसिन फॉर अ डिसीज पर्सन। अभी जो हमारा सिचुएशन है, हम है भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत रहता है, उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ हमारा नेचुरल सिचुएशन है और ये भौतिक जगत है, ये हमारा डिसीज जैसे हॉस्पिटल जैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी टू गो फ्रॉम दिस हॉस्पिटल टू द नॉर्मल लाइफ, दैट इज इन वैकुंठ।
इसलिए भगवान यहाँ पे आते हैं, उनके भक्त यहाँ पे आते हैं. एंड कृष्णा कम इन फॉर्म ऑफ हिज कथा कृष्णा, बिकॉज कृष्णा कम्स ही परफॉर्म पास्ट टाइम एंड दैट बिकम कृष्ण कथा. तो व्हेन वन हियर अबाउट कृष्णा मीन्स हिज पास्ट टाइम्स, द अभद्र द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द हार्ट विल बी इरेडिकेटेड. मतलब हमारे जो हृदय में जो भी अनर्थ है वो धीरे धीरे धूल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा भगवान से अभिन्न है. सो दैट एक्ट्स लाइक, मतलब वो धो देता है, साबुन जैसे धो देता है हमको अंदर से. जैसे कि अनर्थ रहते हैं, जैसे काम क्रोध मदमोत्सर्य लस्ट एंगर ग्रीड, ऑल दैट बिकॉज ऑफ दिस ओनली पीपल आर नॉट हैप्पी नाउ डेज. दिस इज वन थिंग. एंड हियरिंग अबाउट डिवोटीज, दैट इज अनदर लेवल ऑफ, लाइक भगवान बोल रहे कि मुझसे मेरा जो भक्त है उससे बड़ा भक्त कौन है जो मेरे भक्त का भक्त है. तो इट इज नेचुरल, क्योंकि कोई भी फादर चाहते हैं टू ग्लोरीफाई हिज सन. सो द डिवोटीज आर द सन्स चिल्ड्रंस ऑफ द लॉर्ड. इसलिए जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं तो भगवान को ज्यादा पसंद आता है, भगवान गेट मोर प्लीज्ड. तो टुडेज टॉपिक इज गिवन इज डिवोटीज एंड लॉर्ड जगन्नाथ. इज इट डिवोटीज एंड रथ यात्रा. तो एज ऑल ऑफ यू आर हियरिंग फ्रॉम 7 days लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ, मेनी थिंग योगेश्वर टोल्ड की ऑलरेडी आर गॉट ओवर. सो टुडे आई एम स्पीकिंग टू यू अबाउट वेरी स्पेशल डिवोटी, द डिवोटी हु टुक जगन्नाथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, द डिवोटी हु मेड लॉर्ड जगन्नाथ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस डिवोटी के बारे में हम बात करने वाले हैं. जैसे भगवान के तो बहुत सारे डिवोटीज हैं, आप सुने कल शायद, सुने शायद है ना, जैसे कि रघुनाथ है और सालो बेग है, लेकिन एक जो डिवोटी है वो बहुत स्पेशल है. उन्होंने भगवान को जगन्नाथ को सच में जगन्नाथ बना दिया. कई जगन्नाथ जी ने तो हम सोचते थे कि पुरी के नाथ है, नहीं तो उत्कल के उड़ीसा के नाथ है, मैक्सिमम इंडिया के नाथ है, भारत के नाथ है, लेकिन ऐसे वो भक्त है उन्होंने सच में हर कॉर्नर में, इच कॉर्नर इच विलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ही टुक लॉर्ड जगन्नाथ एंड मेड हिम रियल जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स एंड नाथ ऑफ ऑल द वर्ल्ड. वो है शिल प्रभुपाद जी. तो आई थिंक मेनी ऑफ यू नो अबाउट शिल प्रभुपाद, बट आई विल जस्ट स्पीक अबाउट 5 minutes अबाउट शिल प्रभुपाद बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू नो अबाउट शिल प्रभुपाद फर्स्ट. तो शिल प्रभुपाद वॉज अपियर ऑन दिस अर्थ इन 1896 एट कलकत्ता. 1920, आई विल जस्ट ब्रीफली टेल, 1922 में वो उनके गुरु महाराज झील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर से मिले, 1933 में उनका दीक्षा हुआ, 1944 में उन्होंने उनके गुरु के प्रसन्नता के लिए बीटीजी और बहुत सारा सेवाएं अर्पण चालू करना चालू किया, 1955 में उन्होंने वानप्रस्थ लेके फुल टाइम उनके गुरु महाराज के और ये हमारा जो वैदिक संस्कृति उसका प्रचार में लग गए, 1959 ही टुक संन्यास, और उन्होंने पूरा ये 6-7 साल पूरा भागवतम को, भागवतम पहले था इंग्लिश संस्कृत में था तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. तो दिस इज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन. सो और 6 साल के बाद 1965 में प्रभुपाद जी गए अमेरिका. तो अमेरिका कैसे गए, उसने भी बहुत 40-34 days का सफर में सफर था. ही वेंट इन अ बोट, बोट ऐसा मतलब पैसेंजर वाला शिप नहीं था, वो शिप था, वो क्या बोलते हैं इसको, कार्गो शिप, मतलब उसमें माल माल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें गए थे. और ही गॉट 2 हार्ट अटैक्स, उनका एज उस टाइम था 70, 2 हार्ट अटैक आए और अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे वेदर भी पूरा उनके मतलब कभी सुने नहीं, इतना -डिग्रीज में टेम्परेचर रहता है. एंड ही वेंट ओनली विथ 40 रुपीज, और कहाँ रहना है कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, ही वेंट विथ भागवतम एंड 40 रुपीज. तो वहां पे जाते हैं तो विद इन, तो पहले पहले साल में उनको बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर डिवोटी जुड़ना चालू करते हैं. तो विद इन 11 और 11.5 years वो 5,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाते हैं. उसके बाद में पूरे वर्ल्ड को 14 times वो सर्कुमुलेट करते हैं, मतलब पूरा प्रदक्षिणा करते हैं. उसके बाद में 80 books लिखते हैं खुद. देखिए एक बुक पढ़ना इस आसान रहता है, लेकिन कुछ बुक लिखना मतलब बहुत हार्ड वर्क रहता है. ओनली 3 घंटा सोते थे दिन में, रात को बस 3 घंटा सोते थे. ही रोट 80 बुक्स, कैन यू इमेजिन. सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी का कि जो
पहले हम भगवगीता सुनते थे बस, लेकिन मतलब एज इट इज जो भी क्लियर कट मैसेज है वो हम मतलब हमें पता नहीं था, लेकिन अभी आप देखेंगे प्रभुपाद जी की वजह से हमें श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और बहुत सारे जो ग्रंथ है वो एज इट इज हमको मिलते हैं देखने के लिए। वो क्लियर कट फिलोसफी है कि क्या हमें करना चाहिए, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, एवरीथिंग क्लियर कट। उसके बाद में ही ओपन 108 टेम्पल्स, ही ओपन गुरुकुल्स, ही ओपन गुरु गोशालास। और उस टाइम पे तो कुछ मोबाइल नहीं था या व्हाट्सएप नहीं था, तो सब वो सब अकेले मैनेजमेंट करते थे बाय लेटर्स। तो ही रोट 5,000 लेटर्स। उसके बाद में बहुत सारा अपोजिशन हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि बाहर के देशों में अभी बाहर के लोग इंडिया में आके कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में कराते हैं, अगर कोई उधर जाके किसी को मतलब अभी वो कन्वर्जन नहीं था बट सो कॉल्ड, क्योंकि हमारा लाइफ को वैदिक लाइफ को तो फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे जन ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज दे अपोज प्रभुपाद, और मेनी साइंटिस्ट दे अपोज बिकॉज प्रभुपाद वॉज अगेंस्ट मेनी पीपल एंड मेनी पीपल आर अगेंस्ट हिम। ही स्टार्टेड फॉर्म कम्युनिटीज एंड ही पर्सनली गेव ट्रेनिंग एंड ही गिव अवर वैदिक लाइफ स्टाइल। अभी हम देख सकते हैं कि बाहर के लोग कितना हमारा मतलब वैदिक लाइफ स्टाइल उसको फॉलो करते हैं। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेवेंस, और मतलब व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ प्रभुपाद एंड लॉर्ड जगन्नाथ और रथ यात्रा, बिकॉज दिस इज द टॉपिक टुडे। तो जैसे हमें बताया कि प्रभुपाद जी का जो अपेयरेंस है, जो उनका जन्म हुआ 1896 में कलकत्ता में, बचपन से ही श्रील प्रभुपाद जी ही वॉज वेरी डिवोशनल। प्रभुपाद इस टू से कि आई नेवर फॉरगेट कृष्णा इन माई लाइफ। प्रभुपाद इस टू से आई 24 आवर्स आई यूज टू रिमेम्बर कृष्णा। तो ही इज सच ए प्योर सोल। सो वो जब 5 ईयर्स के थे, वेन ही वॉज 5 ईयर्स, तो एक्चुअली तो 5 साल के तो बहुत बार रथ यात्रा देखे थे जगन्नाथपुरी, मतलब कलकत्ता में भी रथ यात्रा, भारत में कुछ कुछ जगह पे रथ यात्रा होता है, जैसे सूरत में होता है और कलकत्ता में होता है, उड़ीसा में तो बहुत ज्यादा, राउरकेला में भी बहुत सब मतलब देखते हैं, 4-5 रथ यात्रा होता है। तो कलकत्ता में जब रथ यात्रा देखे तो उनका जो नेचुरल, क्योंकि भक्ति है वो नेचुरल रहती है हार्ट को, सो नेचुरल अफेक्शन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ वॉज अपियर इन हिज हार्ट। तो जब 5 साल के थे तो ही टोल्ड कि पिताजी मेरे को भी आई वॉन्ट टू हैव माई ओन कार्ट। वो बोले थे कि मेरे को हम मुझे मेरा सेपरेट रथ यात्रा करना है। तो ही तो बहुत, और प्रभुपाद जी का एक नेचर था वो बहुत एडमंट थे कि जो कुछ चाहिए मांगते थे वो उनको चाहिए रहता था। तो उनके पिताजी फिर बोले कि चलो ठीक है। तो उनके पिताजी जाते हैं बहुत सारे दुकानों में, लेकिन खुद एक कार्ट बनाना मतलब बहुत महंगा, तो प्रभुपाद वॉज इन मिडिल क्लास फैमिली सो ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड। तो फिर वो बोले क्या कर गया। तो वहाँ पे एक एक बूढ़ी औरत आती है और वो बोलती कि मुझे, मेरे पास एक पुराना कार्ट है, रथ है, तो आई विल गिव इट। वो बहुत कम प्राइस में दे देते हैं उनको। तो फिर प्रभुपाद जी पहला रथ यात्रा उनका जिंदगी का चालू करते हैं। तो बहुत सारे उसने भी मतलब 100 200 और 7 दिन का रथ यात्रा करते हैं पूरा, जैसे जगन्नाथपुरी में होता है वैसे ही वो फॉलो करते हैं, और मतलब खुद उसको खींचते हैं, खुद आरती करते हैं, हम देखेंगे आपको फोटो। उसके बाद में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन वॉट एवर, मतलब जो रथ यात्रा कलकत्ता में होता था वैसे प्रभुपाद जी उनके घर में, और उसको भी रथ यात्रा अटेंड करने के लिए 100 200 लोग आते थे। तो इसे हम देख सकते हैं कि ही हैज नेचुरल अफेक्शन और नेचुरल लव फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ और कृष्ण में, भगवान में कुछ फर्क नहीं है। सो ही हैज नेचुरल अफेक्शन। और उनके पिताजी भी हम सीख सकते हैं कि हाउ ही वॉज हिज मूड वॉज दैट माई चाइल्ड वी शुड बिकम द डिवोटी ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। सो ही वॉज द फादर इज वेरी मच इन द फेवर ऑफ टू मेक हिज डिवोटी फॉर चिल्ड्रन डिवोटी। तो हम इसे सीख सकते कि हमें भी द मेन थिंग विच वी कैन डू सर्विस टू द अवर चिल्ड्रन इज टू मेक देम डिवोटीज। तो लाइक द गौर मोहन डे द फादर ऑफ प्रभुपाद जी। और जब प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वेन ही वेंट टू कॉलेज, तो दैट टाइम ही हैज वेरी ग्रेट लॉन्गिंग टू गो टू जगन्नाथपुरी। पुरी जाने का बहुत इच्छा रहता है, क्योंकि वो उनको पता रहता है कि पुरी में भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छा रहता है। सो एक बार क्या होता है, उनको वैकेशन मिलता है, और उस टाइम पे प्रभुपाद मतलब एक बिरला के अवसर में वो मतलब थोड़ा गांधी मूवमेंट में भी, जैसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो लीला के हैं, हाउ कैन प्योर ड्यूटी बी नेशनलिस्ट।
तो प्रभुपाद जी के पास एक ऑप्शन रहता है कि वैकेशन में गांधी जी सबको, जो भी फेवरेबल लोग हैं उनको बुलाते हैं कि आपको आना है मीटिंग, वो बहुत बड़ा मीटिंग रहता है। तो प्रभुपाद जी के ऑप्शन, मतलब प्रभुपाद जी का मतलब अभी दो डुअलिटी है कि पुरी में जाओ क्योंकि उनको जाना था पुरी, या मैं गांधी जी का मीटिंग करने दिल्ली जाओ। देन प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, गांधी जी को छोड़ो, जगन्नाथ जी को जाओ। जगन्नाथपुरी जाते हैं और ट्रेन पकड़ के जगन्नाथपुरी में जाते हैं, और वहां पे ही मतलब ही वाज गॉट सो मच इंस्पिरेशन टू उसके, मतलब इंस्पिरेशन फॉर द लाइफ, बिकॉज मतलब उनका बचपन से ही प्रेडिक्ट कर देते कि ये बहुत बड़े मतलब सात समंदर मतलब जाके भगवान का प्रचार करेंगे, 108 मंदिर बनेंगे, प्रेडिक्शन था पहले से। तो उसको, उनको उधर से ज्यादा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। तो दिस इज मतलब ये बिफोर ही मेट हिज स्पिरिचुअल मास्टर 1922। नाउ अभी हम बात करेंगे कैसे प्रभुपाद जी का ये डिवोशन देख के, प्रभुपाद जी का एक अफेक्शन देख के भगवान जगन्नाथ खुद उनके पास गए सेवा कर लेने के लिए। जैसे कोई डिवोटी अगर भगवान को सच में सेवा करना चाहते हैं, जो डिवोटी सच में, क्योंकि भगवान को तो कुछ जरूरत नहीं है, आत्माराम है कि नहीं? जैसे आप देखेंगे कि दुर्योधन एक है, और आपको पता रहेगा फर्स्ट टाइम कि जब भगवान एक बार आते हैं हस्तिनापुर में, तो वहां पे दुर्योधन बोलते हैं कि अगर हमको कृष्ण को हमारे साइड में लेना है तो हम उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको अच्छे सा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर उनको हम जीत लेंगे। लेकिन जब उनको 56 भोग बनाते हैं उनके लिए जगन्नाथ युद्ध, ये हमारे दुर्योधन, तो उधर जब जगन भगवान जाते हैं तो बोलते हैं, फिर वो वेलकम करते हैं, बोले आपके लिए ये रेडी है। लेकिन भगवान समझ जाते हैं कि उनके पास कुछ अफेक्शन नहीं है, कुछ लव नहीं है। भगवान बोलते हैं, देखो मेरे को ना भूख है ना तुम्हारे पास प्रेम है। जनरली दो कंडीशन में कोई खाता है, एक तो किसी को भूख लगता है तब खाता है, नहीं तो किसी कोई प्रेम पूर्वक खिलाता है तेन वो खाता है। उसके बोले मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर वो विदुर जी के घर जाते हैं। फिर विदुर जी उनको, विदुरानी जो विदुर जी की वाइफ रहती है, उनको केले का छिलका लेती खिलाती है और केला फेंक देती है, तो छिलके में भगवान खुश हो जाते हैं। सो द सेंस इज कि भगवान को जो भी एक अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, प्योर जो भाव से कोई सेवा करता है, तो भगवान वहां पे खींचे चले जाते हैं। जैसे आप माधवेंद्रपुरी का भी एक एग्जाम्पल है, माधवेंद्रपुरी पे एक बड़े संत थे, तो जब वो गोवर्धन में गए तो वहां पे बहुत सालों से गोपाल जी एक जो क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर मतलब बहुत मुगलों का अटैक होता था उस टाइम पे, तो एक डिटी को, गोपाल जी के डिटी को अंदर छुपा दिए थे। तो जब उधर माधवेंद्रपुरी आए तो गोपाल जी उनको ड्रीम में आके बोले कि हे माधवेंद्रपुरी, आपसे मतलब आपका शुद्ध भाव, आपका जो सेवा का भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सेवा करो। तो इसी प्रकार जैसे हम देखे दो एग्जाम्पल, उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी इस्कॉन में कैसे आए, वैसे मतलब प्रभुपाद जी उनको मतलब लिटरली बुलाए नहीं, बट खुद जगन्नाथ जी उनके पास आए। तो हम स्टोरी देखते हैं जैसे कैसे जगन्नाथ जी इस्कॉन में आए। तो 1966 में प्रभुपाद जी इस्कॉन चालू किए, 1965 में अमेरिका गए, 66 में इस्कॉन चालू किए। तो इस्कॉन का पहला हेडक्वार्टर चालू हुआ न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में कुछ शिष्य बने, उसमें से कुछ शिष्य जैसे एक मुकुंद महाराज, मुकुंद जी और उनकी वाइफ, उनको प्रोपा जी भेजे कि जाओ आप सैन फ्रांसिस्को में जाओ, वहाँ पे सेंटर चालू करो। तो उनका शादी करा के उनको भेजे सैन फ्रांसिस्को, फिर उधर पे वो गए। तो सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रचार चालू किया, तो उनको वहाँ पे दो मतलब और दो डिवोटी मिलते हैं, उनका नाम है मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु। तो एक बार क्या होता है, एक्चुअली तब का सिचुएशन ऐसा रहता है कि प्रोपा जी का मतलब, प्रभुपा जी थे इतना, क्योंकि शुद्ध भक्त इतना आकर्षित हो जाते हैं सब, जो भी सब जो प्रभुपा जी के शिष्य थे सभी प्रभुपा जी से बहुत आकर्षित होते हैं, और उनका बस एक ही डिजायर रहता है कि कैसे हम ये स्वामी जी को खुश करें, हाउ कैन वी प्लीज श्रील प्रभुपा। तो बहुत कुछ करते रहते थे, उनको पता नहीं, बट जस्ट लाइक बेबी, स्मॉल बेबी, दे वॉन्ट टू प्लीज, कि वो सोचते थे कि शायद प्रभुपा जी को इंडियन कुछ भी दिखा, तो मतलब बाहर जाते थे तो इंडिया का कुछ भी दिखा तो उसको लेके आते थे। जैसे कि कोई इंडियन एम्बेसी रहता तो उधर से कुछ हनुमान जी का पिक्चर लेके प्रभुपा जी के रूम में लगा देते, फिर देखते हैं प्रभुपा जी का क्या एक्सप्रेशन है।
ऐसा कुछ तो एक डॉल लेके आते थे कि जो भी इंडियन कुछ टाइप का दिखता है तो प्रभुपाद जी के पास लेके आते हैं, और मतलब उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। प्रभुपाद इज हैप्पी, तो जस्ट दे वॉन्ट टू डू दिस सर्विस टू मेक श्रील प्रभुपाद हैप्पी। तो ये तो एक बार मालती माता जी, एक्चुअली उस टाइम में क्या सब नए नए भक्त रहते हैं, नए सब नए भक्त थे, तो दे हैव मतलब हैबिट भी रहता थोड़ा, कभी कभी थोड़ा चुरा भी लेते थे। तो मालती माता जी एक बार गए इंडियन एम्बेसी में, तो उनका भी डिजायर था कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ लेके जाएं हम गिफ्ट। तो एक वहां पे गए तो था डॉल्स का एक क्या कैटेगरी का एक था, कैटेगरी था। तो वहां पे गए और धीरे से उन्होंने काले कलर का एक स्टैचू था उसको लेके चले गए, और बहुत जल्दी से प्रभुपाद जी के पास आए। और प्रभुपाद जी उनको बोले कि प्रभुपाद आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू, वुड लाइक टू सी। देन वो क्या किया, वो उसको टेबल पे रखे, इतना सा था छोटा सा। तो जैसे ही प्रभुपाद देखे काले कलर के राउंड सिलेंड्रिकल टाइप, प्रभुपाद जी तुरंत पूरा दंडवत प्रणाम कर दिए। दंडवत मतलब पूरा स्टिक ऐसा रहता है ना, स्टिक ऐसा पूरा जमीन पे लेट गए। सब बोले आज तक ऐसा रिएक्शन नहीं देखा हमने, क्या हो गया स्वामी जी को, कुछ नीचे गिरा क्या? बोले वो बोले उस फिर प्रभुपाद उठ के बोलते हैं, अरे बाप रे, बोले ये कौन है पता है तुमको? ये है जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा हिमसेल्फ। तो वो बोले अच्छा, उनको तो पता नहीं था। तो प्रभुपाद बोले थैंक यू वेरी मच, आई थिंक जगन्नाथ वॉन्ट टू कम। एक्चुअली उससे पहले कुछ इस्कॉन में कुछ डिटी वगैरह कुछ नहीं था, मतलब कुछ विग्रह वगैरह नहीं थे। तो प्रभुपाद बोले कि और दो रहेंगे इसके साथ, आप एक ही लाए ना, शायद दो और रहेंगे। तो फिर मालती माता बोलती है हाँ। तो फिर वो फिर से जाती है और फिर से वो दो को भी लेके आती है। तो फिर जगन्नाथ जी को राइट साइड में रखते, हमारे बलदेव जी को इधर, और मिडिल में जगह सुभद्रा। फिर प्रभुपाद फिर से ऑब्सेंस करते हैं, और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि आप में से कोई कारपेंटर है क्या अच्छे से? तो फिर श्याम सुंदर को हाथ उठाते हैं, श्याम सुंदर प्रभु को बोलते कि चलो ये साइज अभी इतना बड़ा, मतलब 1.5 मीटर है ना, उतना बड़ा विग्रह इसको वुडन वुड में कार्व करो। तो ऐसे फिर इस्कॉन के पहले डिटी, वो सैन फ्रांसिस्को को प्रभुपाद जी नाम देते हैं न्यू जगन्नाथपुरी। तो प्रभुपाद जी बस भगवान को नहीं लेके गए, प्रभुपाद जी धाम को भी लेके गए। जैसे बहुत सारे न्यू द्वारका, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू वृंदावन, ऐसे धाम को भी, क्योंकि जहाँ पे भगवान भक्त रहते हैं उसको धाम बोलते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को नाम है न्यू जगन्नाथपुरी। तो ऐसे पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आए इस्कॉन में। तो फिर अभी डिवोटीज मतलब क्या सब नए थे, तो उनको पता नहीं कैसे क्या करना है। प्रभुपाद पूरा बेसिक से सिखाए कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको कपड़े मतलब धोती कुर्ता पहनना है, माताओं को साड़ी कैसे पहनना है, तिलक कैसे लगाना है, ऑल सब बेसिक से प्रभुपाद जी सिखाए। अभी मतलब फर्स्ट टाइम तो छोटे छोटे बहुत है, मतलब जैसे कि अभी प्रभुपाद जी एक बार दीक्षा दे रहे थे तो यज्ञ कर रहे थे, बोले कि फल लेके आओ, तो सब डिसाइपल काट के लेके आए फल। प्रभुपाद बोले काट के नहीं लाना है, उसको फुल ऐसा यज्ञ में रखना रहता है। तो मतलब छोटा छोटा चीजें भी उनको नहीं पता था जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। तो एक बार क्या किए भक्त लोग, जगन्नाथ जी को उठा के बीच पे ले गए, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको लगा कि चलो हम जाते घूमने जाते हैं तो चलो भगवान को भी लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी आए मंदिर में, प्रभुपाद बोले दंडवत मारने के लगे, अरे किधर है भगवान? तो वो कुछ डिवोटी बोले कि प्रभुपाद जी वो थोड़ा घूमने गए हैं, वॉक, मॉर्निंग वॉक। अरे प्रभुपाद बोले क्या तुम लोग कुछ भी नहीं पता, तुमको थोड़ा तो कुछ गूगल में सर्च करो कैसे एटिकेट्स क्या है, कुछ नहीं। फिर तुरंत ऐसे एक बार क्या होता, एक बार हुआ था कि प्रभुपाद आने वाले थे तो डिवोटीज एक अल्टर बनाए थे वो था मूविंग अल्टर, मूविंग अल्टर मतलब सर्कुलर, इधर राधा कृष्ण और ऐसा घूमने का, उसके बाद में थोड़ा घुमाएंगे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और घुमाएंगे तो गौर निताय। प्रभुपाद जी आए डंडावत मारे, तो उस टाइम पे जगन्नाथ भी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे, जब उठे तो फिर राधा कृष्ण, बोले ऐसा किया, अरे किधर है जगन्नाथ बलदेव? प्रभुपाद जी इज मूविंग अल्टर। प्रभुपाद जी बोले ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो फिर बैक टू पास, तो जैसे ही वो जगन्नाथ जी को फिर देखने जाते हैं, तो बीच पे सब डिवोटी पूरा सर्कल में, जगन्नाथ जी को जैसे सर्कल में बिठा के सब
उनके साइड में कीर्तन कर रहे हैं। उसका फोटो शेयर कर सकते हैं क्या? ये ना, आई जस्ट शो द फोटो, ये क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, शो द इधर है कैंसर विंडो पर इंटरेस्टिंग, जस्ट शेयर विंडो विंडो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं आप, जगन्नाथ जी इधर बैठे हैं और प्रभुपाद जी फिर उधर का कीर्तन किए, तो प्रभुपाद जी को देन प्रभुपाद जी को थॉट आता है कि मतलब प्रभुपाद जी मेडिटेट करते कि नो, अभी वो टाइम आ गया है कि आई वांट टू स्टार्ट रथ यात्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर प्रभुपाद जी फिर मेन मेन डिसाइपल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि कैसे अभी हमें रथ यात्रा, मतलब भगवान का भी, जैसे भगवान बोलते हैं हम जगन्नाथ स्वामी पति पावन है, तो सच सच मतलब प्रभुपाद जी बोले कि सब पति तो मतलब हर जगह पे है, तो भगवान को मतलब मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में तो सब जा नहीं सकते, तो इसलिए भगवान बाहर आते हैं जैसे आप सुने होंगे। तो सब अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में कलयुग है, तो सब पतित लोग हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा, तो इसलिए हर जगह पे हर कोने में रथ यात्रा होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का विजन लेके प्रभुपाद जी वो चालू करते हैं। तो पहला रथ यात्रा फिर कैसे चालू होता है, तो प्रभुपाद जी बोले यहाँ तो कार्ट नहीं होगा, बट तो पहला रथ यात्रा होता है, प्रभुपाद जी ट्रक को लेते हैं, एवरीथिंग कैन बी यूज इन कृष्णा सर्विस, तो ट्रक को लेते हैं। उसके फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसा कैनोपी बनाना है, कैसा उसको डेकोरेट करना है, कैसा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे आरती करना है, कैसा कीर्तन होना चाहिए, एवरीथिंग ही गाइड्स। और पहला रथ यात्रा और टेक्स प्लेस होता है, और इट्स टेक्स प्लेस ऑन 1967 इन सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद में फिर वो एक ट्रेडिशन चालू हो जाता है कि हर सिटी में फिर रथ यात्रा कॉपी होना हो जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे सैन फ्रांसिस्को में जब फर्स्ट रथ यात्रा हो रहा था, तो स्पेशली दैट जयानंद प्रभु, हिज ग्रेट जयानंद प्रभु को प्रभुपाद जी इन्वाइट किए थे। तो जयानंद प्रभु का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन मेकिंग रथ, मतलब जो रथ का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद में पूरा अरेंजमेंट करना, पोस्टर बांटना, उसके बाद में प्रीचिंग करना, एवरीथिंग ही यूज्ड टू डू टायरलेसली। ही वॉज इंजीनियर, बट उसका दिन में पूरा मंदिर का सेवा करते थे, रात को टैक्सी चलाते थे, और प्रभुपाद जी के मिशन में लक्ष्मी नहीं था उस टाइम पे, तो बहुत कुछ कर रहे थे। उसके बाद में उनको कैंसर हो गया था, तो कैंसर होने घर वालों ने उनको लक्ष्मी दिया था कि आप जाओ ट्रीटमेंट लो, लेकिन वो ट्रीटमेंट का वो लक्ष्मी भी मतलब प्रभुपाद जी को पता नहीं था, वो प्रभुपाद जी को दे दी एंड ही डाई बिफोर प्रभुपाद। तो मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि हाउ मच डिवोशन ही हैज फॉर प्रभुपाद। तो इसलिए अभी भी हम देखते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा, इसका उनका कहा अभी भी होता है, तो रथ यात्रा मैन, तो उनका फोटो रथ के सामने लगाते हैं जयानंद प्रभु का। तो ऐसा तो फिर ये पहला रथ यात्रा हुआ। उसके बाद में हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, लगाएंगे कि कैसे फिर न्यूयॉर्क में लंदन में रथ यात्रा होता है। और वो प्लेन हुआ था, ये वीडियो है कि कैसे रथ मैन्युफैक्चर किए डिवोटीज, कैसे पहला रथ यात्रा हुआ, कैसे प्रभुपाद जी उसमें भाग लिए। दिख रहा है क्या? सोमेप्रो यू आर एबल टू सी? Agasthi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जैसे? आजा श्री
सेम लाइक जगन्नाथपुरी में जैसे बनाते हैं सिमिलरली दे मेड देयर वुडन कार्ड श्री अद्वैता बासरी को प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर You can see Prabhupada down. Prabhupada ji नीचे बैठे जगन्नाथ जी के अभी सेम रथ यात्रा ओके सेम रथ यात्रा नाउ इज गोइंग ऑन एवरीवेयर नॉट ओनली इंडिया not only America or some places they are giving holidays they said it is card festival or everywhere it is taking place jaise my experience also ki main jab matlab I am from Maharashtra before coming to ISKCON matlab utna mere ko pata nahi tha jagannath puri suna tha but jagannath ji ke bare mein utna nahi suna tha jagannath ji dikhte kaise wo bhi nahi pata tha but after coming now abhi main dekh raha hu ki even every district there is jagannath temple एवरी नाउ तो थोड़ा तालुका लेवल पे भी आ गए तालुका क्या बोलते हैं इधर कुछ तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे वाला थोड़ा टाउन टाउन में भी सेंटर में पहला ड्यूटी आता है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मतलब अभी पूरे जगह पे भी और हर कोई चाहते कि हमारे जगन्नाथ जी बाहर जाए रथ यात्रा हर जगह पे ये इट इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ प्रभुपाद जी है ना मतलब प्रभुपाद जी को मतलब जगन्नाथ जी को लोकल ने अभी पूरा होल वर्ल्ड में फेमस कर दी प्रभुपाद जी तो जैसे हम वो बात कर रहे थे कि लॉर्ड हिमसेल्फ कम टू इस्कॉन तो ऐसे बोर दो तीन पांच टाइम है जैसे कि परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप भुवनेश्वर में एक बड़ा मंदिर बनाओ और उसमें आप रखो कृष्ण बलराम गौर नेता है और तीसरा अल्टर में आप खाली रखो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोले खाली रखो हाँ वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मारे उनका विग्रह आप बनाओ मत वो खुद आएंगे तो गोविंद सामार बोले यस तो उन्होंने फॉलो किया तो फिर सब रेडी हो गया टेम्पल रेडी हो गया कृष्ण बलराम रेडी हो गए एवरीथिंग वाज रेडी लेकिन अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नहीं है मतलब और पूरा एंड में मतलब जैसे अभी ओपनिंग करने वाले हैं तो जस्ट वन डे बिफोर कोई तो फोन किए बोलेंगे हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है क्या आप ले सकते हैं तो उस टाइम जब बोले वाह प्रभुपाद जो बोले वो सत्य होगा मतलब एक बार कोई शुद्ध भक्त कुछ बोलता है देन लॉर्ड हैज़ टू फुलफिल जैसे प्रहलाद महाराज बोलते कि इधर भगवान है तो तुरंत भगवान आ गए तो ये है तो ऐसे उधर भी जगन्नाथ जी आते हैं और सबसे और फेमस हमारे देखेंगे मायापुर में एक राजापुर करके जगह है आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे तो राजापुर में भी जगन्नाथ जी खुद इस्कॉन में आए हैं
उसमें बहुत बड़ा स्टोरी है। जो 500 साल पहले एक जगदीश गांगुली करके एक बहुत भगवान के बहुत जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे वो। ही ऑलवेज यूज टू गो टू जगन्नाथ पुरी एवरी ईयर। लेकिन एक साल में क्या होता है, वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं और जाते जब जा रहे थे तो मतलब उनको ब्लाइंडनेस मतलब अंधे भी हो जाते हैं, तो देख नहीं पाते हैं, तो उनको फिर रुकना पड़ता है। तो फिर भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो भगवान बोलते कि कुछ टेंशन नहीं, टेंशन मत लो, आप क्या करो सुबह आप नदी में स्नान करने जाओगे तो आपको एक लकड़ी मतलब उडन एक ब्लॉग मिलेगा, आप उसको लेके जाओ, आपके गांव में एक कारपेंटर है उसको अभी लेप्रसी हुआ है, उसको बोलो विग्रह बनाएंगे वो बना देंगे, तो आई विल पर्सनली कम टू यू। तो करते हैं, सच में उठते हैं सुबह स्नान करने जाते हैं तो वहां पे वो वुड लेते हैं और जैसे भगवान बोलते हैं, और जैसे बोले भगवान बोलते हैं कि जैसे वो आप लकड़ी के वुड को मतलब ब्लॉक को टच करेंगे तो आपका ब्लाइंडनेस क्योर हो जाएगा। तो सच में उनका फिर से मतलब आंखों का रोशनी आ जाता है। तो फिर वो उनको लेके वो कारपेंटर के पास जाते हैं, कारपेंटर पहले नहीं बोलता जैसे भगवान बोले कि वो मना करेगा, फिर भी उसको बोलना उस अगर वो कार करेगा तो उसका भी लेप्रसी चला जाएगा, तो उसका भी लेप्रसी चला जाता है। तो बहुत सुंदर विग्रह बनाते हैं 500 ईयर्स बैक। तो वो विग्रह फिर सब जगदीश गांगुली फिर उसको अच्छा वर्शिप करते हैं, लेकिन कुछ रीजन के वजह से कुछ मतलब वो चले जाने के बाद उनको विग्रह का सेवा ये हो जाता है। उसके बाद में फिर वो विग्रह जमीन में चले जाते हैं। उसके बाद में फिर 1958 में, हाँ 1958 में एक मतलब उसमें पूरा मतलब ऊपर पूरा एंट हिल बन जाता है और उसके ऊपर एक ब्लू कलर का फ्लावर आता है, उधर से बहुत आवाज आता है कि कोई तो आओ कोई तो मेरे को निकालो, ऐसा आवाज आता है। तो एक बार एक जेमिनी घोष करके एक आदमी जाते रहता है साइकिल पे, तो फिर उनको भी फिर जगन्नाथ जी रास्ता दिखाते हैं, वो घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि आप मेरे को इधर से निकालो। तो वो जमीन जहाँ पे वो एंट हिल था वो रहता है फटिक चटर्जी का। तो फटिक चटर्जी को फिर वो बताते कि ऐसे ऐसे आवाज आया है, तो फिर वहां पे वो डिग करते, तो वहां पे देखते तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। लॉन्ग स्टोरी है, कट शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और आश्चर्य का बात यह था कि वो डिटिस को 500 400 450 साल हो जाते फिर भी कुछ डैमेज नहीं होता है, पूरा एज इट इज थोड़ा सा रहता है तो उसको पेंट कर देते हैं। तो फिर से वो फटिक चटर्जी उसका वर्शिप चालू कर देते हैं। लेकिन जब 1978 होता है तो फिर बोलते हैं कि देखो बाबा अगर अगर मैं इसका वर्शिप कंटिन्यू नहीं कर पाया तो फिर से जैसे वो जगदीश गांगुली के घर में कुछ लोग मतलब वर्शिप अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो वो ना पूरा फैमिली हो गया था, तो इनको भी डर था कि अगर मैं अच्छे से इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो शायद मेरा भी फैमिली का कुछ हो सकता है। तो जगन्नाथ जी का लीला अलग 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 रहता है। तो 1978 में फिर वो फटिक चटर्जी प्रभुपाद जी को मतलब प्रभुपाद जी के जो परम शिष्य हैं हिज होलीनेस जय प्रताप स्वामी महाराज, तो उनको पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या आप ये विग्रह का सेवा कर सकते हैं। तो उसी मतलब जैसे प्रभुपाद जी के पास न्यूयॉर्क में सैन फ्रांसिस्को में ये आए गौर गोविंद स्वामी महाराज के बाद ये आए, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हमारे मायापुर में भी आए हैं। तो ऐसे बहुत जगह पे बहुत सारे पास्ट टाइम है कि भगवान खुद भक्तों के पास आते हैं सेवा कर लेने के लिए। तो बस लास्ट एक पास्ट टाइम बोल के हम कंक्लूड करेंगे कि एक बार प्रभुपाद जी उनके वेस्टर्न डिसाइपल फॉरेन डिसाइपल के साथ जगन्नाथपुरी गए थे, और वहां पे हमको पता है कि फॉरेन बॉडी लोगों को अलाउड नहीं है, तो दे स्टॉप। तो प्रभुपाद बोलते कि डोंट फॉलो लेटर ऑफ द लॉ, सी हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर प्योर वैष्णवस, प्लीज अलाउ। लेकिन वो बोले नहीं, रूल इज रूल। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप इनको अलाउ नहीं करेंगे तो मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। और प्रभुपाद जी बोलते कि आई विल आस्क जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज टू पैक हिज बैगेज एंड कम विद अस, कम विद मी लाइक दैट। तो प्रभुपाद वहां पे चलेंगे कि आप हमको अलाउ नहीं करके मैं जगन्नाथ जी को पूरे विश्व भर में लेके जाऊंगा। तो हम देखते हैं अभी पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ये अभी प्रस्थापन हुए हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जब लास्ट उनका जब शरीर छोड़ रहे थे 1977 में, मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे, लेकिन बहुत थोड़ा सा उनका हेल्थ क्योर हो गया, तो मतलब न्यूयॉर्क से उनको मतलब बुलाया थे कि वहां पे बड़ा रथ यात्रा होने वाला है, तो उसके लिए फिर भी उधर गए हैं। इतना उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज से मतलब इतना उनका भक्ति था। तो यह है भगवान के शुद्ध भक्त, और जैसे भगवान बोलते हैं ये थमा प्रपद्यन्ते,
जैसे हम भगवान को अप्रोच करेंगे वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो आज हम प्रे करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से, श्रील प्रभुपाद जी से, कि हमें भी जैसे प्रभुपाद जी को भगवान जगन्नाथ के प्रति जो भक्ति है उसका कण मात्र, जस्ट माइन्यूट भक्ति भी हमें मिलता है तो हमारा जिंदगी के सक्सेस हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर हियरिंग अटेंटिवली, होप सो। एंड इफ एनी क्वेरीज, एनी आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क बेस्ट ऑन दिस डिस्कशन व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। तो सौम्य प्रभु इज ओके। हरे हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभुजी, यू आर आस्किंग समथिंग। सो नाउ इट इज 3 o'clock, सो शुड आई कंटिन्यू और प्रभु जी सेट की 35 मिनट्स यू शुड टॉक एंड आफ्टर दैट एनीबडी हैज एनी क्वेरी दे कैन। यस प्रभुजी, आई देयर वांटेड टू शो वन स्मॉल वीडियो ऑफ 1 मिनट। यस प्रभु, यू कैन एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर Q&A सेक्शन। 1 मिनट वीडियो दैट इज वेरी लाइक या प्रोपाद या वाज। यस प्रभु। हम बात कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दिस इज रथ यात्रा, इट्स पर्सनली प्रभुपाद वाज प्रेजेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे नाउ प्रभुपाद विल डांस, यू कैन वॉच प्रभुपाद विल डांस नाउ। हरि बोल। हरे राम 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 हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओके हरे कृष्णा। तो एनी somebody has raised hand। हरे कृष्ण प्रभुजी, सो देयर इज अ क्वेश्चन। प्रभुजी, हाँ प्रभु। कैन यू रिपीट द नेम ऑफ परम शिष्य ऑफ प्रभुपाद हु वाज ऑफर्ड द विग्रह इन 1978? परम एक्चुअली टू हुम ना, टू हुम 1978 में लाइक जयप्रकाश स्वामी दे हैंड ओवर दैट हु फटिक चटर्जी ऑफर्ड दैट विग्रह टू हिज ओनली जयप्रकाश स्वामी महाराज। जयप्रकाश स्वामी महाराज लिव इन मायापुर, यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो जयप्रकाश स्वामी महाराज, अबाउट जयप्रकाश स्वामी परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज। ओके ब्रो, सो स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस? एंड इफ यू हैव सेम, इफ यू हैव द क्वेश्चंस, देन यू कैन पोस्ट इट इन द Q&A सेक्शन। ब्रो जी, वी गॉट अनदर क्वेश्चन। हाउ लॉर्ड चूज द डिवोटी विथ हुम ही विल परफॉर्म द लीला? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली कृष्णा मतलब लॉर्ड लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरीवन एज परमात्मा, इज इट नॉट? सो ही नो व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग, ही नोज नाउ व्हाट इज थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन इन माय हार्ट। एवरीबडी एवरीबडी इज नॉट ओनली प्योर ड्यूटी, एवरीबडी इज ही सेंस व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग फीलिंग विलिंग ही हैज। एंड द डिवोटी हु इज हैविंग प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन टू सर्व, नो मोटिवेशन, नो सेल्फिशनेस। लाइक वन प्रभुपाद वाज़ टेलिंग कि व्हेन क्रिश्चियन गोज टू चर्च दे आस्क ओ लॉर्ड हॉलोड बाय द नेम गिव अस अवर डेली ब्रेड।
सो प्रभुपाद सेड कि डू यू हैव लव फॉर ब्रेड और लव फॉर गॉड. इफ यू आर आस्किंग फॉर गॉड फॉर ब्रेड देन यू आर हैविंग लव फॉर ब्रेड. तो मतलब देर आर मेनी पीपल दे हैव दे गो टू द लॉर्ड फॉर गेटिंग समथिंग बट प्योर डिवोटी दे डजंट वॉन्ट एनीथिंग दे वॉन्ट ओनली डिवोशन दे वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड. And the devotee who is having such a pure intention to serve the Lord, from such a devotee, Lord want to take service. It's not like he, Lord want to take service, but especially like many we are serving, but that is, but Lord chooses someone like he, I gave example of Madhavendra Puri. And many like Sanatan Goswami, Rupa Goswami, there are many, Lord, they don't have much facility like now we have, but they have pure heart to serve. So that heart Krishna understand, the Lord understand, and he reciprocated in that way. Here is another question. Hare Krishna Prabhuji, can you please repeat who made Rath Yatra in New York and which year it started? Rath Yatra 1967 I told started, and Prabhupada only gave the suggestion. Prabhupada has the idea. Made the Jagannath Balde Subhadra, that deities were carved by Shyam Sundar Prabhu, and Rath cart that made by all devotees. The plan was given by Srila Prabhupada. Jayananda Prabhu is most prominent. Gaur Govind Maharaj, actually His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj, like I gave, they are disciples of Prabhupada, like Jayapata Swami, as I told in Mayapur. Similarly, Gaur Govind Swami Maharaj is specially served in Bhuvaneshwar. So can you please repeat about he is a very great disciple of Srila Prabhupada, Gaur Govind Swami Maharaj. Prabhuji, Hare Krishna. How can we perform bhakti beside studies? So it's very important, very very practical question, ki how to do studies and say bhakti simultaneously. So simple formula. Now whatever situation we are in, like you are all student, I think, so let us begin with something small, like in this age, the bhakti is made very simple. That is the chanting of the holy name. You begin with little Hare Krishna, matlab chanting one round. That is bhakti. ABCD formula, you remember. A for association. You take association of very some who are devotees. B means read sometime Bhagavad Gita, whatever time it permits, 5-10 minutes, half an hour. C means chanting one round. You can, if you are not chanting, if you are chanting one round, then increase to 2. D means take prasad, and E means do some service. This is small step you can take. Beside that, we don't tell ki like you have body, you have soul. So there is soul duty, duty for the soul, duty for the body. The duty for the body is your studies. Duty for the soul is your bhakti. What is devotion with motivation? Motivation means I want something. Bhagwan ke paas kyun jata hu? Jab exam hai fir jata hu ki Bhagwan mere ko pass karwa de. भगवान आज रिजल्ट है तभी जाते हैं. तो दैट इज मोटिवेशन. कि आई हैव सम मोटिव इन माय हार्ट, आई वांट टू गेट समथिंग. दैट इज आल्सो ओके इफ वी गो टू कृष्णा. कृष्णा सेज एटलीस्ट ही इज कमिंग टू मी. दैट इज वन स्टेप. बट दैट इज आई एम टेलिंग अबाउट द शुद्ध द प्योर डिवोशनल सर्विसेज. अन्य अभिलाषिता शून्यम ए विदाउट मोटिवेशन विदाउट इंटरप्शन. व्हाई प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका फर्स्ट टू स्प्रेड टीचिंग ऑफ कृष्णा इंस्टेड ऑफ डूइंग इन इंडिया? बिकॉज इंडियंस आर कॉपिंग वेस्ट. सो प्रभुपाद बोले कि उनको कॉपी करने का आदत है, तो मैं उधर जाके उनको सुधारूंगा तो ये सुधरेंगे. इसलिए उधर जाके उनको सुधारे. जब भारत में उनको लेके आए तो उनको देख के बहुत सारे लोग, फिर भारत में अभी इतना प्रीचिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ओनली. समझे ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, वाई इन पूरी जगन्नाथ ओनली पीपल ऑफ हिंदू आर अलाउड बट प्योर डिवोटीज ऑफ अदर कंट्रीज आर नॉट अलाउड? एक्चुअली दैट इज द रूल्स. देर आर सम रूल्स. There is rules of some like, actually वो सही भी है. इन मतलब पहले जो फॉरेनर्स आते थे वो मतलब दे डोंट मतलब उनका कुछ ऐसा डिवोशन तो नहीं था. एंड दे हैव बहुत इम्प्योर हैबिट्स ऑल्सो दे हैव, इसलिए उनको जनरली ये नहीं करते थे. बट नाउ और एक क्या है, वो ट्रेडिशन बन गया है, तो इसलिए मे बी दे आर नॉट अलाउड. आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. Prabhuji, is there any significance of why Lord Baldev Subhadra and Lord Jagannath go to different chariots, and why each rath has different numbers of wheel? Actually, वो actually past time है कि जब रथ यात्रा भगवान after 90 या 100 years, उसके बाद में first Krishna lives in Vrindavan for 10 years. After that he went to Mathura for
28 ईयर्स, आफ्टर दैट ही वेंट टू द्वारका, और सब डीमंस को मारने के बाद फिर भगवान कुरुक्षेत्र में आते हैं। तो 80-90 साल के बाद वो मिलने जाते हैं किसको, फिर से ब्रजवासी को मिलते हैं। तो वहाँ पे रथ यात्रा का फर्स्ट टाइम है। तो फिर जो वृंदावन के लोग है स्पेशली गोपी, दे वांट टू टेक कृष्णा टू वृंदावन। तो इसलिए फिर पहले कौन जाते, जगन्नाथ जाते हैं ना, बलदेव जी जाते हैं, उसके बाद में एक्चुअली आई डोंट नो स्पेशली दैट इज सिग्निफिकेंस इज देयर, बट दे जाते हैं, उसके बाद में सुभद्रा मारे जाते हैं, फिर जगन्नाथ जी जाते हैं, दे गो ऑन डिफरेंट चैरियट्स, देयर इज द इंट्रिकेसीज, आई एक्चुअली डोंट नो मच अबाउट, मतलब डिटेल्स आई डोंट नो, आई विल टेल द डिवोटी हु इज गिविंग टुमारो क्लास, ही विल क्लैरिफाई, एंड डिफरेंट देयर इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट व्हील्स ऑल्सो। वॉट वॉज द रीजन ऑफ प्रोपर डिमाइस, प्रोपर डिमाइस, what was the reason of Prabhupada's age? Prabhupada has Prabhupada's wheel also, and Prabhupada, he was 79 at the time. Everybody has to leave the body. Hare Krishna, as if anyone who opposes God, is that also because God want to, as anyone who opposes God, is that also because God want that, because everything occurs according to God, or because he had do something bad things? Actually, Krishna gives everyone a free will. Free will means small freedom. So we have always option to be with God or to be with not God. So somebody is not in favor of God. So Lord will tell you, be with me. That's why he comes. But somebody is adamant, then Lord doesn't force him. So that is thing. Did Jayanamru work for Ratyatra, Shyam Sundar Prabhu carved the Jagannath? Yes, yes. Is Ratyatra started from Jagannath Dham? Haan, Ratyatra, Indradumna Maharaj ke time pe chal raha hu. Yes, yes. Okay. Hare Krishna. Thank you. Hare. So many questions. Hare Krishna, can you please repeat on which year did Jagannath give message that he was under ground? 1958. In that Rajapur is 1958 AD. So, see existing question. Hare Krishna Prabhuji. Dear students, we hope all of the questions are answered and no questions are left unanswered. So today it was a great class and great things every student have learned, and we have learned very much important things about Rath Yatra. So it was a great time with you, Prabhuji. We would like to ask students for thanking you. Thank you to you all for listening and giving by turning on the microphone by saying Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Okay, thank you. Hare Krishna. Should I leave? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Okay, bro. Hare Krishna Prabhuji, thank you for being with us. It was a wonderful time. Hare Krishna. So should I leave? Yes, Prabhuji, you can. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, bro. Hare Krishna.